So let's start. So we are starting with uh, September twenty two examination. Very important paper. Okay. So let's start with question number two. Describe the differences between a structural credit risk model and a reduced form credit risk model. So, structural or firm value models are used to represent a firm's assets and liabilities and define a mechanism for default. These models deliver an explicit link between a firm's default and the economic conditions and provide a sound basis for estimating default correlations amongst different firms the Merton model is an example of a structural model equity basically division the disadvantage is identifying the correct model and estimating its parameters reduced form models do not attempt to deliver a representation of a firm like structural models do rather they are statistical models reduced form models are statistical models that use observed data both macro and micro and so, can usually be fitted to the data. The market statistics most commonly used are the credit ratings. Default is no longer tied to the firm value falling below a threshold level, as in structural models. Matlab, default is no longer tied to the firm value falling below a threshold level, as in structural models. Rather, default occurs according to some exogenous hazard rate process. फॉर्म इश्यूज ऑफ फिफ्टीन ईयर जीरो कूपन बॉन्ड विद मेच्योरिटी वैल्यू ऑफ हंड्रेड मिलियन सो अवर एल इज हंड्रेड द करेंट वैल्यू ऑफ द फॉर्म्स एसेट्स इज वन फिफ्टी एंड द एस्टिमेटेड वोलाटिलिटी ऑफ द फॉर्म्स एसेट्स डेल्टा अपने को दे दिया है वन परसेंट कैलकुलेट द क्रेडिट स्प्रेड ऑन द डेट यूजिंग द मर्टन मॉडल तो डेट का जो वैल्यू है अपना डेट का जो वैल्यू है विच इज वैल्यू ऑफ फॉर्म माइनस इक्विटी राइट सो दिस इज वन फिफ्टी माइनस इक्विटी इक्विटी का ब्लैक स्कोल से हम लोग निकाल सकते कॉल ऑप्शन की तरह सो so, हम लोग निकालेंगे डी वन D2, फिर हम लोग निकालेंगे एन डी वन अपने को सब कुछ दे दिया ये अपना स्ट्राइक प्राइस हो गया ठीक है इसको अपने शेयर प्राइस की तरह ट्रीट करेंगे सिग्मा दे दिया है और टाइम पीरियड भी दे दिया अपने को इसमें टाइम पीरियड इज 15 ईयर सो एन डी वन निकालूंगा एन डी टू निकालूंगा फिर उसके बाद इक्विटी निकल जाएगा मेरा इक्विटी निकलने से डेट निकल जाएगा ठीक है इक्विटी निकलने से डेट निकल जाएगा सो so, मेरा जो डेट का जो वैल्यू आ रहा है डेट का जो वैल्यू आ रहा है मेरा आ रहा है फिफ्टी सेवन पॉइंट टू नाइन इसका मतलब मेरा जो इक्विटी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा नाइन्टी टू पॉइंट सेवन वन टू अब जैसे क्या है मेरे को पता है ई टू दी पावर फिफ्टीन इंटू आर जो मेरा बॉन्ड ईल्ड है फिफ्टी सेवन पॉइंट नाउ दिस इज इक्वल टू हंड्रेड सो यहां से हम लोग आर निकाल लेंगे जो मेरा बॉन्ड का जो यील्ड है बेसिकली दिस इज बॉन्ड यील्ड सो बॉन्ड यील्ड इज 3.71 परसेंट अगेन देर इज अ स्प्रेड सो स्प्रेड इज व्हाट? यील्ड माइनस आरएफ। ठीक है सो वेरी सिंपल क्वेश्चन इसके बाद में हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर वन पे यूटिलिटी फंक्शन अपने को दे दिया है यू डब्ल्यू इज डब्ल्यू टू दी पार गामा माइनस वन बाय गामा वेयर वेल डब्ल्यू इज वेल्थ इन थाउजेंड देयर करेंट वेल्थ इज एट थाउजेंड so w is given as 8 and their current utility is 2.1012 so that gamma is 0 0.01 so that uw exhibits declining ara and constant rra the individual has been offered a ticket to enter a lottery with a 1 in 10000 chance to win 1 million so 1 in 10000 chance to win वर्किंग इन थाउजेंड्स ये पूरा सम को मैं थाउजेंड में ही काम करूंगा तो जमेला खत्म कैल्कुलेटेड नियरेस्ट डॉलर द मैक्सिमम प्राइस पी दट द इंडिविजुअल वु फॉर द टिकट डिस्कस वाई दिस फॉर्म ऑफ यूटिलिटी फंक्शन विद गामा ग्रेटर देन वन वुड बी इनकन्स्टेंट विथ कॉमन यूटिलिटी थियोरी ठीक है नॉट दैट डिफिकल्ट इजी ही है ये ठीक है सो so, सबसे पहले तुम तो लोग यू डब्ल्यू निकालते हैं सो यूडब्ल्यू इज वॉट W टू दी पार गामा माइनस वन बाई गामा और ये हम लोग को दे दिया है टू पॉइंट वन जीरो वन टू ठीक है फिर हम लोग यहां से निकाल लेंगे U डैश W सो U डैश W इज वॉट अपने को डिफ्रेंशिएट करना है ना सो वन बाय गामा इंटू गामा डब्ल्यू टू पार गामा माइनस वन ठीक है ना सो दिस विल बी डब्ल्यू टू पावर माइनस जीरो पॉइंट नाइन नाइन क्योंकि मेरा गामा आ जाएगा जो दिया हुआ है क्वेश्चन में फिर हम लोग इसी तरीके से निकालेंगे U डबल डैश W, सो so U डबल डैश W विल बी माइनस जीरो पॉइंट नाइन नाइन डब्ल्यू टू दी पर माइनस वन पॉइंट नाइन नाइन फिर हम लोग निकालेंगे ए डब्ल्यू ए डैश डब्ल्यू आर डब्ल्यू आर डैश डब्लू सो ए डब्ल्यू जो मेरा आएगा ए डब्ल्यू जो मेरा आएगा इट इज जीरो पॉइंट नाइन नाइन बाय डब्ल्यू ए डैश डब्ल्यू जो मेरा आएगा माइनस जीरो पॉइंट नाइन नाइन बाय डब्ल्यू स्क्वायर सो दिस इज लेस देन जीरो सो डिक्लाइनिंग ए आर ए मतलब वेल्थ बढ़ेगा वेल्थ बढ़ेगा तो हम लोग रिस्क एवर्जन कम कर रहे हैं मतलब मोर वेल्थ इन रिस्की एसेट्स बट आर डब्ल्यू इज कमिंग टू बी जीरो सो परसेंटेज विल बी कांस्टेंट समझा इसका मतलब क्या है अगर एक हजार से वेल्थ लेवल दो हजार हो गया तो पहले मान ले जहां तुम सौ लगाता था अब तुम कितना लगाएगा दो सौ तो इससे क्या हुआ एब्सोलूट अमाउंट बढ़ गया बट परसेंटेज इज व्हाट टेन परसेंट ओनली ठीक है ना फिर हम लोग को बोलता है मैक्सिमम डैट ही विल बी प्रिपेयर टू पे गैम्बल दे दिया है कि अपने को सो एक्सपेक्टेशन ऑफ यू डब्लू माइनस पी करंट वेल्थ लेवल से माइनस पी प्लस अगर गैम्बल चल गया तो इज इक्वल टू यू डब्ल्यू सर्टेन लेवल ऑफ वेल्थ सो वन बाय टेन थाउजेंड चांस है U एट प्लस थाउजेंड माइनस पी होगा प्लस नाइन 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 बाय टेन थाउजेंड का चांस है कि U एट माइनस पी का ही रह जाएगा और दिस शुड बी इक्वल टू टू पॉइंट वन जीरो वन टू विच इज द करेंट लेवल ऑफ यूटिलिटी तो यहां से हम लोग सॉल्व कर लेंगे पी विच इज जीरो पॉइंट डबल जीरो फोर इसको अब हम लोग को मल्टीप्लाई करना है थाउजेंड से दिस इज फोर क्वेश्चन ने पूछा था मैक्सिमम प्राइस दैट द इंडिविजुअल पे फॉर द टिकट इस लॉटरी में एंटर करने के लिए लॉटरी में एंटर करने के लिए मैक्सिमम ही विल पे इज डॉलर्स फोर अब जैसे गामा ग्रेटर देन वन में क्या प्रॉब्लम है गामा ग्रेटर देन वन में यू डबल डैश जीरो w जो मेरा आया था इफ आ, यू डबल डैश डब्ल्यू अपने क्या बोलते हैं रिस्क एवर्स इन्वेस्टर के लिए दो कंडीशन है एक है िटी ठीक है बट अगर गामा ग्रेटर जैसे मान लो वन पॉइंट टू है तो जब आप इसको डालोगे ना तो आपका जो यू डबल डैश डब्ल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा तो अपना ये वाला प्रिंसिपल कॉन्ट्रोडिक्ट हो रहा है दिस फंक्शन वुड नॉट सेटिस्फाई द प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वेल्थ जेस्ट द इंडिव्युअल वॉज रिस्क सीकिंग कॉमन यूटिलिटी थीड एगजिबिट इंक्रीजिंग ए आर ए इंक्रीजिंग ए आर ए इंक्रीजिंग ए आर ए का मतलब और फटू हो गया पैसा बढ़ने से और फटू हो गया दिस इज नॉट पॉसिबल तो मैच नहीं कर रहा है ठीक है इसलिए गामा शुड भी लेस देन वन ओके सो हमने वन किया हमने टू किया आइए क्वेश्चन नंबर नाइन पे इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन पे आइए अ पेंशन फंड हैज बीन ऑफर्ड टू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एसेट ए गिव्स एन एनुअल रिटर्न ऑफ थ्री बी परसेंट वेर बी इज बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल विथ पैरामीटर्स सो बी फॉलोज बाइनोमियल फोर कॉमा जीरो पॉइंट फोर ठीक है ये एसेट ठीक है फिर P फॉलोज पॉइजन टू ठीक है एक में आ रहा है थ्री बी परसेंट और एक में आ रहा है फोर पी परसेंट कैलकुलेट द फॉलोइंग थ्री मेजर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट रिस्क फॉर इन्वेस्टमेंट इज फॉर इच एसेट वेरियंस सेमी वेरियंस शॉर्टफॉल प्रोबेबिलिटी वर्सेज अ बेंचमार्क रिटर्न ऑफ फोर परसेंट ठीक है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बाइनोमियल so, में क्या होता है एनपी क्यू सो दिस विल बी फोर इंटू जीरो पॉइंट फोर इंटू जीरो पॉइंट सिक्स इंटू थ्री सॉरी इंटू नाइन हो जाएगा ना बिकॉज हम लोग को निकालना था वेरिएंस ऑफ थ्री बी परसेंट सो दिस इज नाइन वेरिएंस ऑफ बी ठीक है फिर सिमिलरली वेरिएंस ऑफ फोर पी परसेंट दिस इज सिक्सटीन इंटू टू तो यह अपना आ रहा है एट पॉइंट सिक्स फोर परसेंटेज स्क्वायर और यह आएगा अपना थर्टी टू परसेंटेज स्क्वायर अब जैसे बाइनोमियल है और पॉइजन है ठीक है तो सबसे पहले तो मीन निकालो सेमी वेरियंस के लिए हम लोग को मीन निकालना पड़ेगा सो म्यू ए सो म्यू ए इज वॉट थ्री इंटू एन पी फोर इंटू जीरो म्यू बी सो म्यू बी इज फोर इंटू टू सो दिस इज फोर पॉइंट एट परसेंट दोनों ही डिस्क्रीट है एंड दिस इज एट परसेंट अब जैसे जब सेमीवेरियंस निकालने का टाइम आएगा सो so, अपने को इसके नीचे का देखना है ना सो दिस बी 4.8 पॉइंट एट माइनस जीरो का स्क्वायर इंटू इसका होने का प्रोबेबिलिटी इंटू इसका होने का प्रोबेबिलिटी ठीक है 3b बी परसेंट है तो b या तो वैल्यू लेगा जीरो या फिर वन इंटू प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू जीरो फिर प्लस पॉइंट एट माइनस थ्री का स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू वन तो बी जीरो कैसे हो जाएगा अपने को तो डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया है ना सिमिलरली सेमी वेरिएंस में आठ परसेंट के नीचे का सो इट विल बी एट माइनस जीरो का स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी पी इज इक्वल टू जीरो प्लस एट माइनस फोर का स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी पी इज इक्वल टू वन समझा क्योंकि जीरो और वन ही लेंगे ना टू पे तो एट हो जाएगा तो एट से कम चाहिए ठीक है फिर हम लोग को बोला बेंच मार्क चार परसेंट का है सो so, अपने क्या बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी थ्री बी इज लेस देन फोर सो दिस इज प्रोबेबिलिटी बी इज लेस देन वन पॉइंट थ्री 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 परसेंट सो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू जीरो प्लस प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू वन सिमिलरली प्रोबेबिलिटी फोर पी इज लेस देन फोर विच इज प्रोबेबिलिटी पी इज लेस देन वन सो दिस इज प्रोबेबिलिटी पी इज इक्वल टू जीरो बहुत इजी क्वेश्चन था इसी तरीके से एग्जाम में भी आपको चुन चुन के क्वेश्चन करना पड़ेगा ये ऐसा क्वेश्चन था जिससे मेरा कॉन्फिडेंस अभी और अप हो गया है एम फीलिंग रियली नाइस आफ्टर डूइंग दिस क्वेश्चन तो आपको भी एग्जाम में ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन खोज के करने पड़ेंगे आइए इसके बाद में करते हैं क्वेश्चन नंबर एट इसके बाद में हम लोग करेंगे क्वेश्चन एट कंसिडर दसेट्स इन दैपिटल मॉडल होल्ड देर आर दीज आर दी ओनली रिस्की एसेट्स इन दार्केट रिस्की एसेट एबीसी अपने आर एफ निकालना एक्सपेक्टेड डेट ऑन दार्केट पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द रिटर्न ऑन दी मार्केट पोर्टफोलियो पोर्टफोलियोज परसेंट मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क निकालना है रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट इज थ्री परसेंट ठीक है बहुत सिंपल है वही मैं बोल रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन उठाइए जिससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़े ठीक है अपने को क्या बताया आर ई इज वॉट आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा राइट सो अपने को देखो Uh, सब कुछ पता है यहां पर जैसे एसेट ए का क्या है थ्री पॉइंट फाइव है ना सो थ्री पॉइंट फाइव इज वॉट अपने को पहले बोला आर एफ निकालने so this is plus है. Uh, अपने क्या कर सकते हैं दो इक्वेशन बना लो और दो अननोन है अपने पास में सो so बीटा अपने को दे दिया है आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू वन पॉइंट फाइव ठीक है एक और बना लो एक और बना लो टू पॉइंट टू इज वॉट आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू वन पॉइंट थ्री ठीक है अब इसको सॉल्व कर लो तो यहां से तुम्हारा आर एम आ जाएगा और आर एफ भी आ जाएगा दो इक्वेशन दो अनोन आर एम है तुम्हारा तीन परसेंट और आर एफ है तुम्हारा दो परसेंट फिर यहां से तुम निकाल सकते हैं मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क सो मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क इज व्हाट आर एम माइनस आर एफ बाय सिग्मा विच इज 10. सो दिस इज 0.1 पॉइंट वन एक्सेस रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क एक्सेस रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क बहुत सिंपल था ये फिर बोला है अगर हम लोग आर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा एवरी एसेट मस्ट है रिस्क फ्री रेट सो द रिटर्न ऑन एसेट बी मस्ट इंक्रीज टू एटलीस्ट थ्री परसेंट बिकॉज उसमें टू पॉइंट टू है

क्योंकि जो रिस्क फ्री एसेट होता है ना रिस्क फ्री एसेट का जो बीटा होता है वो जीरो होगा ठीक है ना क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए अ नॉन डिविडेंट पेइंग स्टॉक हैज अ प्राइस एट टाइम टी ऑफ एट इन एनी यूनिट ऑफ टाइम द प्राइस ऑफ द स्टॉक आइदर इंक्रीजेस बाय ट्वेंटी फाइव परसेंट और डिक्रीजेस बाय ट्वेंटी परसेंट एंड वन इज हेल्ड इन कैश एट टाइम टी रिसीव इंटरेस्ट टू बिकम वन पॉइंट जीरो फोर द स्टॉक प्राइस आफ्टर टी टाइम टाइम्स इज डिनोटेड बाई एस टी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इज रिटन ऑन द स्टॉक विद एक्सपायरी डेट टी इज इक्वल टू टू पेस टेन इफ एंड ओनलीफ एस टू इज नॉट एट मैंने एट नहीं है तो दस देगा वरना जीरो एक्सप्लेन वॉट इज मेड बाई रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी मेजर कैलकुलेट द अप स्टेप डाउन स्टेप प्रोबेबिलिटी निकालने बोला बहुत सिंपल है यह बहुत सिंपल है सो रिस्क न्यूट्रल का मतलब क्या अंडर क्यू द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द रिस्की स्टॉक इज द सेम एज दैट ऑन अ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट इन कैश इन अदर वर्ड अंडर द प्रोबेबिलिटी मेजर क्यू इन्वेस्टर्स आर न्यूट्रल विथ रिगार्ड टू रिस्क इसका मतलब क्या है क्यू में इन्वेस्टर्स रिस्क को इज्जत नहीं देते हैं ठीक no है दे रिक्वायर नो एडिशनल रिटर्न फॉर टेकिंग ऑन मोर रिस्क अंडर द रिस्कट्रल प्रोबेबिलिटी मेजर दूंटेड स्टॉक प्राइस इज अटिंगेल ठीक है क्या बोलते रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी मेजर में डिस्काउंटेड स्टॉक प्राइस इज अ मार्टिंगेल जिसको हम लोग डी टी से भी डिनोट किए थे याद आ रहा है डी टी वॉज अ मार्टिंग ठीक है बेसिकली so अब हम लोग को q निकालना है सो so q इज वॉट e टू दावर आर माइनस डी बाय U माइनस डी सो दिस इज 1.04 पॉइंट जीरो फोर माइनस जीरो पॉइंट एट होल डिवाइड बाय वन पॉइंट टू फाइव माइनस जीरो पॉइंट एट सो ये एक सॉल्व कर लीजिए सो so q मेरा निकल गया सो वन माइनस क्यू भी मेरा निकल जाएगा स्टॉक प्राइस क्या हो सकता है देखो यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ आठ से वो ऊपर जाएगा फिर एक बार नीचे आएगा फिर एक बार ऊपर फिर एक बार नीचे ठीक है so, सो क्या क्या आ रहा है देखो यहाँ पर आएगा तुम्हारा ट्वेल्व पॉइंट फाइव यहाँ पर आएगा एट और यहाँ पर आएगा फाइव पॉइंट वन टू तो मेरा जो पे ऑफ है दस ज़ीरो दस याद आ रहा है इसका होगा क्यू स्क्वायर इसका होगा वन माइनस क्यू का स्क्वायर और इसको फिर टान लेंगे टानेंगे कैसे टानेंगे कैसे टानेंगे कैसे टानेंगे वन पॉइंट जीरो फोर टू पावर माइनस टू वन पॉइंट जीरो फोर टू पावर माइनस टू ठीक है इसको ऐसे टान लेंगे हो गया और क्या खत्म क्वेश्चन ठीक है क्वेश्चन चुन चुन के करो ठीक है अब जैसे इसके बाद में इजी है क्वेश्चन नंबर फोर देखो हल्का सा ट्रिकी था बट इजी है क्वेश्चन नंबर फोर देखिए अ फाइनेंशियल डेरिवेटिव इज हेल्ड फॉर अ टू ईयर पीरियड एंड एनालिस्ट अज्यूम्स दैट द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव पर ईयर आई इज द सेम फॉर ईच ईयर दे एज्यूम दई फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर्स सो आई नॉर्मल आई फॉलोज नॉर्मल विथ पैरामीटर्स माइनस वन कॉमा वन लेट एक्स टू रिनोट द अक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ दिस अमाउंट सो एक्स टू इज इक्वल टू वॉट वन प्लस आई का स्क्वायर सो दैट द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स टू इज लेस देन इक्वल टू के फॉर एनी नॉन नेगेटिव के इज गिवन बाय दिस सो एक्स टू इज लेस देन के बोला है ना लेस देन इक्वल टू के बोला है सो प्रोबेबिलिटी एक्स टू इज लेस देन इक्वल टू के नाउ दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी वन प्लस आई का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू के सो आई अगर ये फॉलो करता है तो वन प्लस आई क्या फॉलो करेगा वन प्लस आई विल फॉलो नॉर्मल जीरो कॉमा वन विच इज स्टैंडर्ड नॉर्मल है ना तो प्रोबेबिलिटी z स्क्वायर विल बी लेस देन इक्वल टू k है ना तो so इसका मतलब क्या है जेड स्क्वायर लेस देन इक्वल टू k का मतलब क्या है प्रोबेबिलिटी z विल लाई बिटवीन माइनस रूट अंडर k से रूट अंडर k समझ गया तो इसका मतलब क्या है दिस इज टू इंटू प्रोबेबिलिटी जीरो जेड रूट अंडर के दिस इज बाय सेमेट्री बायसेमेट्री ठीक है ना द प्रोबिलिटी ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल बींग ऑब्जर्वड ओवर अ रेंज इज द इंटीग्रल ऑफ इट्स पी डी एफ ओवर द रेंज हाँ, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग सो दिस विल बी टू इंटीग्रेशन जीरो से रूट अंडर के एफ देड एक्स डी एक्स सो दिस इज नथिंग बट टू इंटीग्रेशन जीरो से रूट अंडर के वन बाय रूट टू पाई ई टू दाइनस हाफ एक्स स्क्वायर डी एक्स ठीक है इसके बाद में हम लोग को बोल रहा है बोला है शो बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट सब्सटीट्यूशन और अदरवाइज दैट दी आंसर टू पार्ट वन इज द सेम एज द प्रोबेबिलिटी दैट जी लेस देन इक्वल टू के ज द गामा डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल विद पैरामीटर एल्फाइज हाफ लेमडाइज हाफ यू मे यूज विदउट प्रूफ दैट द फैक्ट गामा हाफ इज रूट पाई फिर मीन एंड वेरियंस निकालने बोल रहे हैं एक्स टू का ठीक है सो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग लेंगे टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सो डी टी इज वॉट टू एक्स डी एक्स ठीक है सो दिस इज वॉट टू रूटी डी एक्स है ना हम so, लोग का क्या बन जाएगा टू बाय रूट टू पाई इंटीग्रेशन जीरो से रूट अंडर के था ना जीरो से अब जैसे टू बाई रूट टू पाई ई टू दर माइनस हाफ टी इ टू दर माइनस हाफ टी डीएक्स सो डीएक्स इज वॉट डी टी बाय टू रूट टी ठीक है और लिमिट्स में ये लोग क्या किए है ना ठीक है लिमिट्स हम लोग को चेंज करना पड़ेगा सो so व्हेन x is zero, t is zero. When x is root k, तो t is root k का square, which is k, है ना x जब zero है तो t भी zero है. x जब root k है तो ये k बन जाएगा because t is x square. ठीक है So अब इसको हम लोग आगे कैसे solve कर सकते हैं इसको हम लोग आगे कैसे solve कर सकते हैं So this is one by uh, root two pi integration zero to k t to the power minus half e to the power minus half t. डी टी ठीक है सो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं अब इसको हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन जीरो से के अल्फा टू पावर के सॉरी अल्फा टू पावर लैमडा बाय गामा अल्फा टी टू पावर माइनस अल्फा e to the power minus lambda t dt तो अल्फा और लैमडा अल्फा इज हाफ व्हिच इज लैमडा दिस इज द इंटीग्रल ऑफ़ अ गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद अल्फा एंड लैमडा पैरामीटर्स बिकॉज द गामा डिस्ट्रीब्यूशन इज बाउंडेड बिलो बाय जीरो दिस इंटीग्रल इज एग्जैक्टली पी ये एग्जैक्टली क्या बन जा रहा है मेरा पी जी इज लेस देन इक्वल टू के ठीक फिर हम लोग को मीन वेरियंस निकालने बोला है सो एल्फा स्क्वायर ठीक है वी डिस्कस द दोप्रिएटनेस ऑफ द एनालिस्ट मॉडलिंग एजम्स द मॉडल इज सिंपल टू अंडरस्टैंड इट यूज अ ट्रैक्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन विच मीन द ओनर मे बी एबल टू यूज इट मोर इजिली ओनर उसको इजिली यूज कर पाएगा द मॉडल प्रोड्यूसेस Non negative accumulated values, which is a useful inbuilt feature. So, non negative accumulated values, ho the model is only valid over two years, which is quite a long time for a single period and may not be useful for looking at the results on a common basis like uh, annual. The model also assumes that the same rate applies across each year in a two year period, but in practice, investment rates are sometimes correlated with rates in the past. So that this assumption may not be reasonable, the normal distribution might not be appropriate for modeling the annual return, for example, because it understates the likelihood of extreme events. The analyst is assuming a symmetrical distribution of returns. So, analyst kya uh, kar Analyst is assuming a symmetrical distribution of returns, which might not apply in practice. So, this ka matlab kya, The normal distribution might not be appropriate. For modeling the annual return. For example, because it understates the likelihood of extreme events. Normal distribution might not be appropriate for modeling the annual return. Uh, for example, because it understates the likelihood of extreme events. The analyst is assuming a symmetrical distribution of returns. Symmetrical distribution of returns, analyst is assuming, which might not apply in practice. Which might not apply in practice. Okay? सो बेसिकली दिस बाकी के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा ठीक है थैंक यू ऑल ऑफ यू